उन औरतों ने कुछ नहीं किया है। हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी होगी। इस केस से जुड़ी हर प्रेजुडिस को और पूर्व धारणाओं को कमरे से बाहर कर दीजिए। लॉकअप में इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर कोई हमारे साथ नहीं। हाय रिंकू, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, क्योंकि कल मैंने आपकी मूवी देखी 200 और तब से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इतनी हार्ट रेंचिंग मूवी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक तो मैंने बहुत रॉन्ग टाइम चुना उसको देखने का, मैंने रात को वो मूवी देखी और उसके बाद बहुत डिस्टर्ब हुई। लेकिन मुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा था, आपने तो वो किरदार निभाया और जब से आपने वो स्क्रिप्ट सुनी और उसके बाद अब तक जब तक आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो किस तरह से ऐसे रोल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करती हैं और उसके बाद उससे बाहर आना बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे रोल से, तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती हैं और कैसे किया आपने ये रोल? एक तो ये जो हमारे समाज में होता है इंडिया में खास तौर पे, और लड़कियों के साथ ये पता था, और मुझे मतलब फिल्म करूं या ना करूं इस बारे में मुझे इस बात का गुस्सा है ही कि आप कास्ट के बारे में क्यों बोलते हो, आप लड़की या लड़का अलग क्यों मानते हो इस चीज को। और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, जो सार्थक सर ने मुझे कहा कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी और आशा नाम का किरदार है, मैं चाहता हूँ कि आप करो, तो मैंने बोल दिया हाँ, मतलब ये तो हमारे समाज में होता है, हमें लोगों को बताना चाहिए। और कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि अभी भी इस जमाने में हमें इस तरह की फिल्में करनी पड़ती है, लेकिन मैंने कुछ अलग नहीं किया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि डायरेक्टर जो दिखाना चाहते हैं उसका माध्यम हम हैं जो लोगों तक बात पहुँचाना चाहते हैं। तो बस जिस तरह से मुझे सार्थक सर बताते गए आशा कैरेक्टर किस तरह की लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की है, तो मैं बस फॉलो करती गई। मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ये किस तरह की फिल्म है और मेरा कैरेक्टर किस तरह का है इस फिल्म में, तो या मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। लेकिन जब आप कैरेक्टर में मैंने जब मूवी देखी और डेफिनेटली आप उस कैरेक्टर का पार्ट लग रही थी, आप वो कैरेक्टर लग रही थी, तो कितना डिफिकल्ट होता है एक ऐसे कैरेक्टर में जाना एज एन एक्टर और फिर उससे बाहर निकलना, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ ये नहीं होता है। मैंने बहुत एक्टर से सुना है कि हम एक कैरेक्टर में चले जाते हैं तो इमोशनली हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं या हम मतलब बाहर नहीं आ पाते मेंटली उससे, लेकिन मेरे साथ ये नहीं होता है। मैं सेट पे हंसती थी, बच्चों की तरह खेलती थी, लेकिन जब मैं सीन करने जाती थी मुझे बोल दो, मैं आशा बन जाती थी तुरंत, और कट होने के बाद फिर वो 20 साल की बच्ची बन के फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ इसके साथ बैठो, मैं इस तरह से काम करती हूँ। मैं बहुत मतलब कुछ बात ही नहीं है उसके लिए, बहुत सोचूं इस तरह में, मतलब में इस तरह की एक्ट्रेस नहीं हूँ। राइट आप कैरेक्टर में घुस नहीं जाते, तो विच इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि ऐसी फिल्म करने के लिए आपको थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज एज अ व्यूअर हमें इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया और हम इतना ज्यादा फील करने लगे, क्योंकि एक तो ये टॉपिक ऐसा है, दूसरा ये ट्रू इवेंट पर है, तो आप उसके लिए और फील करते हो कि एक्चुअली में हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, आप मना कर सकते हैं मुझे जवाब देने के लिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ वुमन, मैंने भी, मैं तो जबकि दिल्ली में पली बड़ी और दिल्ली में पढ़ाई की मैंने, कॉलेज स्कूलिंग, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ मोलेस्टेशन हमेशा एक फीमेल फेस करती है, सिर्फ छोटे शहर से नहीं बड़े दिल्ली जैसे शहर में भी मैंने भी फेस किया है। क्या आपने कभी ऐसा कोई मॉलेस्टेशन फेस किया है? अगर आप उसका जवाब देना चाहती हैं तो। हेलो पोस्टमैन, नाउ व्हाट, आई ची मॉम आदमी था ये पल्लवी। मैंने सुना है, मैंने फेस कभी नहीं किया, सच
को पूतो होता तो मैं बोल भी देती कि हाँ मेरे साथ ये हुआ या मैंने इसे फेस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब 13 साल की थी तब मैंने पहली फिल्म की, उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. मतलब मैं इतने लोगों में नहीं रही, या आप जितने हर एक चीज से आप गुजरे हो मैं उससे नहीं गई अब तक. लेकिन बहुत देखा है, बहुत सुना है, तो ये डेफिनेटली गलत है. ऑनलाइन भी बहुत होता है, अभी हमने परसों एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे तो ऑनलाइन भी है, पर मुझे एक लगता है कि ये औरतों के साथ ही क्यों होता है. मैं जब ये सुनती भी हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. मतलब आप ऑटो में चले जाओ, आप पाठशाला में भी जाओ, आप ऑफिस में जॉब करो, आपके साथ मेंटली भी हमेशा टॉर्चर किया जाता है. जी हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ कर रहे हैं, जस्ट इवन अ ग्लेयर, एक ग्लिम्स, एक ये भी एक काइंड ऑफ मोलेस्टेशन है. आपको अनकंफर्टेबल बनाना किसी भी तरीके से. तो चलिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है. थैंक गॉड फॉर दैट. आज आपसे बात कर रहे हैं और मैंने कल मूवी देखी, तो आपके और अमोल पालेकर के बारे में बात ना करें ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा. तो आप अभी 20 साल की हैं सिर्फ, और आपने एक लेजेंड के साथ काम कर दिया. I mean, he is a legend. My personal favorite, you know, उनकी गोलमाल मूवी है. तो और उनको देखना इतने समय के बाद, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आपने कहा वो जिस तरह के एक्टर है, और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको होता है कि मुझे मतलब इस एक्टर के साथ काम करना है या इन सारे एक्टरों के साथ काम करना है, बहुत सारे. मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी छोटी उम्र में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से डायलॉग्स बोलते हैं, पॉज देते हैं, लुक देते हैं, बहुत सीखने के लिए मिलता है. और बीच में हमें गैप मिलता था तो अमोल सर हमें उस जमाने में किस तरह शूट किया जाता था उनके किस्से बताते थे, या हम कोई सीन कर रहे हो तो बोलते थे कि पहले आ जाओ हम पढ़ते हैं, फिर कुछ चेंजेस हो छोटे बहुत तो वो बता देते थे हमें. तो बहुत सीखने के लिए मिला और बहुत मजा आया मुझे. इतने सालों से कुछ भी नहीं और सिर्फ एक दिन में 40 FIR. आप सब इतने टाइम से कैसे सह रहे हो ये सब? He was innocent until proven guilty. तुम्हें मैं पसंद नहीं था? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि the law has paid. First interaction कैसा था आपका? Actually court में एक सीन था और मैं जाकर ऐसे बैठ गई और मैं बस देख रही थी कि अमोल सर है, अमोल सर है, और मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी. शायद अमोल सर को पता चल गया होगा, वो खुद आए और उन्होंने कहा मैं हूँ अमोल पालेकर और हम फिल्म में साथ में काम करें. मैंने कहा हाँ हाँ सर पता है, मैं बस थोड़ा नर्वस थी. तो तब से फिर मैं बात करने लग गई थी. नाम तो सुना होगा टाइप पर ही फीलिंग आई आपको. हाँ जी. तो मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था रिंकू कि आपको डॉक्टर बनना था, तो वो अभी भी है या अभी सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान चला गया है सारा? नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरे घर में सब टीचर है. और जी डॉक्टर बनना था, लेकिन अभी शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकती, इसलिए मैं एक्सटर्नल करती हूँ. इसलिए साइंस लेके तो घर बैठे कोई पढ़ नहीं सकता. शायद एक फिल्म में रोल मिल जाए वहीं पे बन लो डॉक्टर. राइट, मैं भी यही कहने वाली थी कि शायद किसी मूवी में आपको डॉक्टर का रोल मिल जाए तो वहां पे आपका थोड़ा सा सपना पूरा हो जाएगा. लेकिन ऐसा क्यों था कि आपको डॉक्टर बनना था, क्योंकि आप तो टीचर फैमिली से बिलोंग करते? पता नहीं, बस 12-13 साल की थी मैं तभी. एक होता है ना, आपको बड़े होकर क्या बनना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है. मैं तो हर साल बदलती थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. पर पता नहीं मैं बन पाती या नहीं, वो भी पता नहीं था मुझे. ओके, चलिए, आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं है, अब आप पूरी तरह एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. और जब एक्टिंग की बात आ रही है तो सैराट एक इतनी बड़ी हिट हुई आपकी रिंकू, और ये सवाल शायद आपसे बार बार पूछा जाता है कि उसके बाद
आप बहुत सिलेक्टिव हो गई अपने रोल्स में. आप हमने हमें आप हमने आपको उतना नहीं देखा जितना शायद एक्सपेक्टेड था. तो क्या ये एक आपका कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं बहुत सिलेक्टिव रोल्स करूंगी, ये नहीं करूंगी या ये करूंगी? मला पण तो आवडतो. मराठीत सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिशमध्ये सांगू. आय लव्ह यू. जी बिल्कुल, क्योंकि जब सैराट आई सबको वापस सैराट ही बनानी थी. सब मेरे पास उसी तरह के स्क्रिप्ट आते थे या उस तरह का किरदार आता था. और मेरा मानना ये है कि आप एक बार मुझे आर्ची या आशा के रोल में देख लो, आप वापस दूसरी फिल्म में वही देखने नहीं जाओगे. आपको पता है कि सेम ही है, सेम ही फिल्म है ऐसे. तो मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग किरदार करने हैं, अलग अलग तरह की फिल्में करनी है, इसलिए मुझे एक तरह का काम नहीं करना. जी मैंने आपकी 100 देखी थी लारा दत्ता के साथ और मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी. बच्चन जी के साथ एक सेल्फी दे दो ना, मर रही है मैं मैडम. डंडा मारूंगी. आप ज्यादातर विमेन ओरिएंटेड यू नो सीरीज कर रही हैं या फिर मूवी कर रही हैं जिसमें एक मैसेज जा रहा है, तो वो एक टिपिकल बॉलीवुड यू नो हीरोइन का मन नहीं करता आपका कि आप भी यू नो स्विट्जरलैंड की वादियों में जाके और साड़ी, लाल कलर की साड़ी लहराए? कुछ ऐसा मन नहीं करता कि कभी ऐसा एक रोल आए? इंडिया में सबके सपने स्विट्जरलैंड होते हैं. डेफिनेटली, मैंने आपको जो अभी कहा, मुझे हर तरह का काम करना है. मुझे वो भी करना है, स्विट्जरलैंड जाके एक साड़ी उड़ाओ, कॉमेडी भी करनी है, रोमांटिक फिल्म, सब तरह के काम करने हैं. लेकिन मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं एक्चुअली इंडस्ट्री में, सबको सुंदर दिखना है, जीरो फिगर में रहना है, सब उसी तरह की फिल्में करती है. लोगों को लगता है इस तरह की फिल्में करो तो आप पर एक ठप्पा लग जाए कि आप इसी तरह की फिल्में करती. तो मुझे लगता है इसमें बुराई कुछ नहीं है. अच्छी फिल्में, अच्छा लोगों तक अच्छी बात पहुंचती है, तो इसका एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. तो जब ऐसा कभी मौका आएगा तो आपने क्या इमेजिन किया, किस हीरो के साथ आप ऐसी फिल्म करना चाहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया है कि किस हीरो के. एक तो हमारे एज का कोई हीरो है नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. ओके, लेकिन फिर भी कुछ एक फेवरेट हीरो की, चलो ऐसी मूवी अगर करने को मिलती है तो ये हीरो के साथ रोमांस करना मुझे अच्छा लगेगा. नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा इस हीरो के साथ या उस हीरो के साथ. कोई फेवरेट हीरो नहीं है? मुझे पसंद है लेकिन बहुत पुराने. मुझे कमल हसन जी बहुत पसंद है, मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है, मुझे श्रीदेवी जी बहुत पसंद है. पर आज के जमाने का आपको कोई हीरो पसंद नहीं है? आज रोमांटिक गाना करना चाहेंगी, मूवी करना चाहेंगी? मुझे विजय देवरकोंडा बहुत पसंद है. रिंकू, तो एक ऐसा टेक अवे इस मूवी से जो आप, आपने क्या सीखा, अगर हम दोबारा से अब 200 की बात करें तो क्या चीज आप बताना चाहती हैं दर्शकों को, क्यों ये मूवी देखे वो आपकी? मुझे लगता है आपकी कहानी है जो हर गली जो मोहल्ले में होती है, जो हम आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए. आप कास्ट या सब में किसी को डिवाइड मत करो, सब एक जैसे लोग हैं, सबको एक तरह मानो और एक साथ आगे बढ़ो. तो यही कहूंगी कि प्लीज जाकर Zee5 पे 200 देखिएगा. आई होप आप सबको पसंद आए. राइट, 200 मैंने जैसे कहा कि पहले मैंने, और ये ऐसी मूवीज बनती रहना चाहिए और हमें बताते रहना चाहिए कि ऐसा भी एक दुनिया है. हम सिर्फ एक ऑनलाइन दुनिया में खोकर से रह गए हैं लेकिन रियलिटी ये है. और टू इवेंट पर है तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा धक्का पहुंचाएगी ये मूवी. थैंक यू सो मच रिंकू हमसे बात करने के लिए एनआरआई पल्स से. थैंक यू सो मच रिंकू, थैंक यू सो मच. बाय, ऑल द बेस्ट. बाय, थैंक यू. कुछ नहीं किया है, हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी होगी. इस केस से जुड़ी हर प्रेजुडिस को और पूर्व धारणाओं को कमरे से बाहर कर दीजिए. लॉकअप में इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं. सर कोई हमारे साथ नहीं है. तुम्हें मैं पसंद नहीं था? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि द लॉ हैज पेड. जाति के बारे में क्यों ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाती है.